दोस्तों, इस लॉकडाउन में तो आपका भी मन कर रहा होगा मीठा खाने का, और किसी का तो बर्थडे भी होगा। तो मेरा तो बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का, तो मैं तो मेरी मम्मी से यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी केक बनवा रही हूँ। तो देखते हैं मेरी मम्मी कौन सा केक बना रही है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से सूजी केक बनाने के लिए चाहिए हमें 1 कप सूजी, आधा कप गेहूँ का आटा, 1 कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दही, 1 कप दूध, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच रेड फूड कलर, 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें सूजी, गेहूं का आटा और पिसी हुई चीनी डालकर इन्हें मिलाएंगे। इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, मीठा रंग और ताजा दही। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी या बटर। अब आधा कप दूध डालकर इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं फेंटना। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं या इलायची भी डाल सकते हैं। इसे 5 मिनट के लिए हम फेंटेंगे। हम बैटर को 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम केक टिन तैयार करते हैं। मैंने यहाँ एक एल्युमिनियम का केक टिन लिया है, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। इस पे हम चारों तरफ तेल लगाएंगे। अब सूखा आटा डालकर इसे चारों तरफ फैलाएंगे। केक टिन तैयार है, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे बैटर को संभालते हैं। हमारा बैटर अभी गाढ़ा है तो हम इसमें बचा हुआ आधा कप दूध मिलाएंगे। दूध डालकर 2 मिनट के लिए इसे फिर से मिलाएंगे। इस केक को हमें ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही इजी तरीके से हमारा केक तैयार हो जाता है। लास्ट में इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। बैटर तैयार है, अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। आज मैं इसे ओटीज में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर बोथ साइड रॉड के साथ 40 मिनट के लिए सेट कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और एगलेस सूजी केक बनकर तैयार है। तो ये केक तो बहुत ही यम्मी फ्लफी और टेस्टी बना था, और मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा। और मेरी फैमिली में कई लोग हैं जैसे इसके बाजार वाले केक को नहीं खाते, जैसे मेरे दादा दादी, लेकिन ये केक तो बहुत हेल्दी और बाजार वाले से भी अच्छा था, उन्हें तो ये केक बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो अपने बर्थडे पे अच्छा अच्छा यम्मी यम्मी केक बना सके और मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए घर रहो और ये केक बनाओ। तो बाय बाय।